हाय हेलो नमस्ते, सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसकेटेड। दिस इज प्रदीप। एंड आज का वीडियो में हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट अनाउंस कर रहे हैं, वो भी तीन टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड बिफोर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन, आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड निफ्टी फिफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में मंथ एंड भी हुआ एंड मंथ स्टार्ट भी हुआ, मगर एक अच्छा खासा एक मूवमेंट में, एक बुलिश ट्रेंड में मंथ स्टार्ट हुआ एंड अच्छा खासा एक मार्केट ने मूवमेंट में मंथ को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीक में हम कैसे मार्केट ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में इन डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, निफ्टी फिफ्टी मंथली चार्ट ओपन किया, अभी मंथली चार्ट में कैंडल देख सकते हैं, एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है एंड मार्केट में तो अभी भी कंफर्मेशन है, एक न्यूट्रल मान के जा सकता हूं मैं, एक बुलिश ट्रेंड भी नहीं या एक बेयरिश ट्रेंड भी नहीं। ओके, एंड इस मंथ का कैंडल हम देखेंगे क्या मूवमेंट रहेगा, अभी हम वीकली चार्ट में देखेंगे। ओके, वीकली चार्ट में मैंने लास्ट वीक में बताया था आपको, एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट इधर से रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा है करके। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में देख सकते हैं, एक अच्छा खासा मूवमेंट किया मार्केट ने एंड एक स्ट्रांग एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया। अभी नेक्स्ट वीक में भी मैंने बुलिश ही मान के जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में है ना, अभी नेक्स्ट लेवल तक हमारा मिलेगा हमको 70,800 और 70,600 तक भी मार्केट जाने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ना मैंने पहले भी बताया था आपको, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अभी मार्केट वही नेक्स्ट लेवल को मार्केट करने का कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल आते हैं हमारा राइट शोल्डर आता है, अभी राइट शोल्डर करने का कोशिश कर रहे हैं मार्केट ने, एक बुलिश तो कर रहे हैं मगर अभी भी एक कंफर्मेशन है, मार्केट में एक नेगेटिव तो है एंड मार्केट 16,800 और 16,600 भी ब्रेक करने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट में तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ओके, एंड वीकली में तो अभी भी मेरे को कंफर्मेशन है, एक नॉर्मल मतलब एक स्मॉल अपट्रेंड मिल रहा है हमको, अभी देखना पड़ेगा हमको कब तक मार्केट 70,800 एंड 18,000 कब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक के लिए मार्केट एक वीकनेस ट्रेंड ही है, एक छोटा सा पुल बैक मिल रहा है उसमें आप ट्रेड करके एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मगर अभी तक मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते। हम वीकली चार्ट देखा तो अभी भी एक छोटा सा पुल बैक है अपर लेवल पे। ओके, निफ्टी फिफ्टी डेली टाइम फ्रेम ओपन किया, अभी डेली टाइम फ्रेम में मैंने 200 EMA को ऐड किया, और ये ऊपर वाला है ना ये 200 EMA, अभी 200 EMA आता है एक्जैक्टली 70,500 आता है एंड मार्केट देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में एक बहुत बड़ा एक गैपडाउन में ओपन हुआ मार्केट, इतना गैपडाउन तो नीचे नहीं कर सकता मार्केट, क्योंकि मार्केट एक पॉज लेके बाद में एक छोटा सा ऊपर लेवल पे एक पुल बैक देता है, मगर इधर तो एक बहुत बड़ा गैपडाउन में ओपन हुआ, मतलब एक साइन है मार्केट अभी भी एक वीकनेस है, मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक दे रहे हैं हमको अपर लेवल पे, मार्केट अभी भी वीकनेस है, मार्केट 70,500 को जैसे रेस्पेक्ट करेगा उधर से रिवर्स करेगा मार्केट, वो भी 200 EMA आते हैं एंड मार्केट में अभी भी पुल बैक दे रहे हैं ना, इतना एक इतना बड़ा गैप अप में ओपन हो रहा है ना, मार्केट कितना जल्दी ऊपर जाता है ना उतना जल्दी मार्केट नीचे आने का कोशिश भी कर सकता है, या सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांगली एक सेल करके भी जा सकता है, एक साइकोलॉजी लेवल है 70,500। ओके, वो भी 200 EMA आते हैं एग्जैक्टली उधर सेलिंग हो सकते हैं मार्केट में एंड मार्केट में कौन सा भी होल्डिंग मत कीजिए आप, 70,500 आपका एक टारगेट रहेगा, उधर से सेलिंग करके जा सकते हैं आप मार्केट में, मगर मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक मिल रहा है अभी तक कंफर्मेशन है मार्केट में एंड मार्केट में सपोज 70,500 एक रिजेक्शन है एरिया, उधर से एक सेलिंग हुआ तो मार्केट जैसे ही 70,200 और 70,250 तक भी आ सकते हैं मार्केट, कब तक मार्केट 70,150 एंड 70,100 के ऊपर तब तक है मार्केट, तब तक के लिए मार्केट ठीक ठाक है एंड एक बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिलता है आगे अपकमिंग डेज में, अदरवाइज मार्केट 70,100 और 70,000 के नीचे मार्केट फिर से आया तो हम मार्केट में एक स्ट्रांग पुल मतलब सेलिंग हो सकते हैं मार्केट में। ओके, अभी डेली टाइम फ्रेम में तो अभी तक एक बुलिश ट्रेंड मार के जा रहा है, वो भी 70,500 एक टारगेट रख के एंड अभी हम 15 मिनट्स में देखेंगे इसको, मिनट्स में छोटा सा स्क्रीन मिल रहा मतलब पूरा दिखने के नहीं मिल रहे, इसलिए मैंने एग्जैक्टली एक घंटे का चार्ट में एक्सप्लेन करता हूं, मगर 15 मिनट्स आप ट्रेड करते ना 15 मिनट्स में कीजिए और 15 मिनट्स में एक घंटे में सेमी रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, एंड अभी आप देख सकते हैं मैंने वन आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया मैंने निफ्टी फिफ्टी में, अभी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐड ऑन कर देता हूं पहले। ओके, निफ्टी फिफ्टी में 350 भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं मार्केट, एक्जैक्टली 350 के आसपास में क्लोजिंग लिया मार्केट ने एंड अभी नेक्स्ट लेवल आता है हमको 70,450 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने, क्योंकि मार्केट उधर से रिजेक्शन हुआ था एक्जैक्टली डबल टॉप बना के,
एंड इधर भी एक रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एंड 7500 और 450 को जैसे ही मार्केट रेस्पेक्ट करेगा उधर से सेलिंग होने का चांसेस ज़्यादा है मार्केट, एंड 70150 एंड 70100 तक भी आ सकते हैं हम मार्केट में। ओके इधर से एक रिजेक्शन हो सकता है मार्केट में, मैंने इधर से रिजेक्शन मार्क करके जा रहा हूँ। 70500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और 70450 70500 जैसे इसको मार्केट ब्रेक करेगा और ऊपर सस्टेन हुआ तो 70450 एंड 70500 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 70624 तक भी हम देखने के लिए मिलता है मार्केट में। इतना स्ट्रांग अपर लेवल पर मूवमेंट किया ना मार्केट, कहीं भी एक सपोर्ट नहीं किया मार्केट अपर लेवल पर मूवमेंट किया। एंड रिजेक्शन एरिया था हमको 70450, मार्केट जैसे 70450 को रेस्पेक्ट करेगा इधर से प्रॉफिट बुक हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट है ना ऑलमोस्ट बहुत दिन से मार्केट नीचे से एक होल्ड करके बैठे बायर्स ने। ओके वो लोग वेट कर रहे थे गैप डाउन ओपन होता करके, गैप डाउन भी ओपन हुआ मगर उधर भी सेलिंग नहीं हुआ, मतलब उधर भी बायर्स होल्ड करके बैठा। ओके बायर्स और पुट राइटर्स पे होल्ड करके बैठा एंड पुट राइटर्स अभी तक सेलिंग नहीं किया मार्केट में, वो लोग वेट कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस को। ओके वो रेजिस्टेंस आते हैं 70450 एंड 70500 एक रेजिस्टेंस लेवल आता है, एक साइकोलॉजी लेवल भी। वो लेवल को रेस्पेक्ट करने के बाद मार्केट उधर से जैसे ही रेस्पेक्ट करेगा उधर से पुट सेलर्स है ना वो लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देगा, फिर से मार्केट हमको 70700 और 70150 तक भी देखने के लिए मिलता है मार्केट में। एंड मार्केट है ना इधर एक गैप अप भी है अभी तक का, एक कवर करके नहीं लिया, मे बी 70450 ब्रेक हुआ तो हम एक गैप कवर करने का कोशिश कर सकते हैं। एंड गैप कवर हुआ तो भी 70650 और 70600 उधर से भी सेलिंग हो सकते हैं मार्केट में। ओके दोनों लेवल्स है ना एक सेलिंग जोन है मार्केट में, एंड बाइंग जोन अगेन आप करना चाहते हो फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो 70100 के ऊपर आप कर सकते हैं, मगर मार्केट में ना एक बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हुआ ना, एक गैप को कवर करना जरूरी है मार्केट। गैप कवर करने के लिए मार्केट एक फेक ब्रेकआउट भी दे सकते हैं, फेक ब्रेकआउट करके अपर लेवल पे मूवमेंट भी कर सकते हैं। ओके अभी मंडे इफ सपोज मार्केट एक गैप डाउन में ओपन हो तो वेट कीजिए 70100 को रेस्पेक्ट करने का, इधर से रेस्पेक्ट करके एक ऊपर लेवल पे फिर से मूवमेंट किया तो इधर एक बाइंग पोजीशन बना के जा सकते हैं हम 70100 और 70000 के ऊपर। ओके एंड इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हैं मार्केट में। इफ सपोज मार्केट एक गैप अप में ओपन हुआ तो मार्केट 70450 ब्रेक होने के लिए दीजिए, ब्रेक नहीं हुआ तो उधर से सेलिंग करके जा सकते हैं मार्केट में। ओके ये लेवल्स रहेगा निफ्टी फिफ्टी में, अभी हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। ओके बैंक निफ्टी मंथली चार्ट ओपन किया, अभी मंथली चार्ट में भी देख सकते हैं मंथली चार्ट में भी एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ, ये भी एक कंफर्मेशन है मार्केट में अभी भी बुलिश का बेरिश है, मगर बैंक निफ्टी में है ना उतना निफ्टी में हमको दिखाई दे रहे नेगेटिव, उतना नेगेटिव हमको बैंक निफ्टी में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मार्केट में एक बुलिश तो है मगर हमको वेट करना पड़ेगा एक मंथली कैंडल पे एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल क्रिएट होना चाहिए तभी हमको एक मार्केट एक अपर लेवल पे देखने के लिए मिलता है, मगर मार्च का कैंडल देखा तो आप एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है। ओके वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं इधर पे एक सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट ने। ओके एंड मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर लेवल पे गया है, मगर मार्केट में ना इसमें भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है मार्केट में, अभी भी कंफर्मेशन है मार्केट एक छोटा सा पुल बैक है, माइट भी 41000 तक भी मार्केट जाने का कोशिश कर सकते हैं, 41000 ब्रेक करके भी 41150 41200 भी रेस्पेक्ट करके उधर से रिजेक्शन हो सकते हैं मार्केट में। मार्केट में अभी भी कंफर्मेशन है बैंक निफ्टी छोटा सा पुल बैक दिया एंड मार्केट में रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है 41000 पे। ओके 41000 से मार्केट एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट कर सकते हैं मार्केट में, मगर इसमें भी एक छोटा सा पुल बैक दिया, माइट भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट भी कर सकते हैं। एंड मैंने निफ्टी फिट में दिखाया था ना वही सेम बैंक निफ्टी में भी हमको दिखने के लिए मिल रहा है मार्केट में। लास्ट वीक में तो एक मार्केट ने एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड तो दिखाया है मार्केट में, मतलब ये कब तक ट्रेंड रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। एंड वीकली चार्ट में तो एक छोटा सा पुल बैक है मगर अभी भी नेगेटिव है मार्केट में, वीकनेस है मार्केट में। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम ओपन किया, अभी डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं मैंने ईएमए को ऐड किया। ओके इसमें आता है 100 ईएमए एंड 200 ईएमए को ऐड किया मैंने, अभी 200 ईएमए देख सकते हैं मार्केट 200 ईएमए को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड 100 ईएमए को रेजिस्टेंस कर रहा है। अभी 100 ईएमए आता है एक्जैक्टली 40800 100 ईएमए आते हैं एंड 40000 एक 200 ईएमए आते हैं एंड एक्जैक्टली अभी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं नियर टू 40600 एंड 40700 पे आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। अभी मार्केट 100 ईएमए मतलब ऑलमोस्ट 40800 एंड 41000 रेस्पेक्ट करके मार्केट उधर से रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक गैप डाउन
में ओपन हुआ ना, एक गैप कवर करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट जैसा उतना गैप ओपन कर रहे तो मतलब मार्केट उतना जल्दी नीचे आने का कोशिश कर सकते हैं मार्केट में। ओके, 200 ईएम एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट, मार्केट 200 ईएम तक आके मार्केट फिर से एक रिवर्स भी कर सकते हैं या इसको ब्रेक करके फिर से नीचे लेवल पे हम ट्रेड भी कर सकते हैं मार्केट में। मगर मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल है हमको 41,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उधर से रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, मगर मार्केट में अभी भी वीकनेस है, मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक दे रहे हैं हमको अपर लेवल पे देखने के लिए, मगर मार्केट में अभी भी नेगेटिव है मार्केट। 41,000 के ऊपर सस्टेन किया तो एक अपट्रेंड देखने के लिए मिलते हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल आते हैं हमको 40,500 तक भी देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में। ओके, 1 आवर चार्ट ओपन किया, अभी 1 आवर चार्ट में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐड किए हैं। सपोर्ट देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीक में आपको दिया था, ये लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में मैंने दिया था ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड मार्केट जैसे 40,360 को ब्रेक किए, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन किया एंड इन बिटवीन ही मार्केट क्लोजिंग ले, आप देख सकते हैं 40,700 एंड 40,350 मैंने दिया था, उसके बीच में मार्केट सस्टेन किया एंड ऑलमोस्ट उसका नियरली क्लोजिंग है, मतलब ऑलमोस्ट 40,700 को रेस्पेक्ट करके उधर से रिजेक्शन हुआ। ये रेजेंस मैंने लास्ट वीक में दिया था, सॉरी लास्ट ट्रांजेक्शन में दिया था मैंने, जैसे ही मार्केट उधर रेस्पेक्ट किया उधर से रिजेक्शन फेस किया। मगर मार्केट में अभी भी कन्फर्मेशन है, अभी भी मार्केट एक वीकनेस ही ट्रेंड है, मगर मार्केट में ना एक गैप अप में ओपन हुआ तो वेट कीजिए ये गैप को कवर करना। ओके, इफ सपोज एक गैप कवर करके मार्केट उधर से रिजेक्शन हो सकते हैं 41,100 और 41,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इधर से रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। इफ सपोज गैप अप में ओपन हुआ तो वेट कीजिए मार्केट 41,000 को रेस्पेक्ट करके रिजेक्शन होने का। इफ सपोज 41,000 को रेस्पेक्ट किया तो उधर से रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन होने का चांसेस है एंड उधर से रिजेक्शन फेस करके भी जा सकते हैं मार्केट में। ओके, एंड इफ सपोज मार्केट 41,700 ब्रेक नहीं किया उधर से रिजेक्शन हुआ तो इधर से भी रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। 41,700 एक रिजेक्शन हुआ तो फिर से हम 41,350 तक देखने के लिए मिलते हैं हमको मार्केट में। ओके, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है एंड मार्केट बहुत बड़ा है, गैप अप में ओपन होने की वजह से मार्केट एक कवर करने का कोशिश भी कर सकते हैं एंड 40,000 हम जल्दी देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में। ओके, गैप डाउन ओपन हो सकते हैं 40,500 एंड 40,400 तक भी एक गैप डाउन होने का चांसेस ज़्यादा है एंड इफ सपोज ओपन हुआ तो वेट कीजिए 40,350 के ऊपर सस्टेन करने का। इफ सपोज मार्केट 350 के ऊपर सस्टेन किया तो हम एक वेट करेंगे हमको सपोर्ट ब्रेक करने का। ओके, 40,350 एक ब्रेक किया तो हम एक सेलिंग करके जा सकते हैं 40,000 तक भी गैप अप ओपन हुआ था ना, वो गैप कवर करने का कोशिश कर सकते हैं। 40,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल है। ओके, उधर तक आके एक मार्केट पुल बैक देख सकते हैं मार्केट है, क्योंकि वही लेवल था, मार्केट बार बार रेस्पेक्ट करके रिजेक्शन हुआ था एंड मार्केट में देख सकते हैं एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन हमें बॉटम से ड्रॉ किया था, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया ना, ऊपर लेवल पर मूवमेंट किया, मार्केट एक सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं 40,000। 40,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल, फिर से हमको 40,000 पे एक बाइंग करने के लिए चांस मिल सकते हैं मार्केट में। मगर मार्केट में इतना स्ट्रांग मूवमेंट दिया ना, ये जल्दी आने का चांसेस ज्यादा रहते हैं नीचे लेवल पे, मतलब एक सपोर्ट करने के लिए वापस आने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, मगर मार्केट में ना नेक्स्ट वीक में यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट। मैंने रिजेक्शन तो आपको बता दिया, 40,000 एक 700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल ब्रेक किया तो नेक्स्ट लेवल आते हैं हमको 41,000। मार्केट जैसे इसको रेस्पेक्ट करे उधर से भी रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है एंड कब बाइंग करना चाहिए हमको, 40,350 के ऊपर सस्टेन हुआ तो एक बाइंग पोजिशन बना के जा सकते हैं। इफ सपोज मार्केट एक साइडवेज में कर रहे 40,000 के 350 के ऊपर, मतलब वेट कीजिए मार्केट सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर सकते हैं एंड 40,000 भी हमको देखने के लिए मिलता है, इधर भी हम सेलिंग करके जा सकते हैं 40,000 तक भी। ओके, एंड आप बाइंग करना चाहते हैं 40,000 के ऊपर फिर से बाइंग करने के लिए मिल सकते हैं, 40,000 के ऊपर फिर से बाइंग कर सकते हैं आप मार्केट में एंड ये लेवल्स रहेगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी चार्ट में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन, आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और लाइक एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट अस।